अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमीज़ का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। देखिए, हमारा ये कमीज़ का लेंथ है 28.5 इंची और इसका लूजिंग के साथ चेस्ट है 48 इंच और 7.75 इंच शोल्डर है। 22.5 इंची आस्तीन का लेंथ है। 9.5 इंची कॉप है, 15 इंच कॉलर है, 16 इंची और मोल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे चेस्ट के लिए हमारा कपड़ा आ रहा है कि नहीं। 1 इंची इधर से छोड़ देंगे और 48 का 12 इंच आएगी तो हम कपड़ा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले 1 इंच यहाँ पे मार्क लाएंगे, यानी 2 इंच इसमें प्लेट रहेगी। सीधा एक मार्क लगाएंगे, उसके बाद इसका लेंथ का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, यहाँ पे आर्मोल के लिए 16 इंच पे मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 16 इंच का मार्क लगाएंगे, उसके बाद 22 इंच पे मार्क लगाएंगे, उसके बाद 28.5 इंची लेंथ है, 28.5 इंची ये हो गया। यहाँ पे 1 इंच फालतू मार्क लगाएंगे, ऊपर का मार्जिंग नीचे का मार्जिंग में जाएगी। अब यहाँ से हम चेस्ट का नापेंगे, 48 का 4वां हिस्सा 12 इंच होता है, इसमें 6 इंच लूज पहले ऐड कर लिया हूँ और यहाँ पे भी 12 इंच ही रखेंगे और शोल्डर है 17.5 इंच, 17.5 यानी 9 इंच रखेंगे यहाँ पे। अब सीधा मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से ये सेव स्केल देंगे, बीच में सेव आ गए, और उसके बाद यहाँ से हल्का क्रॉस देंगे। अब यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। इतना कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर ले लेंगे आर्मोल के लिए और यहाँ पे 2.5-3 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ से शोल्डर को नीचे ढलाएंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, आर्मोल की गोलाई कर लेते पहले। कटिंग यहाँ से करेंगे, इसका पैकेट का मार्क लगा लेते हैं 6.5 इंच पे, उसके बाद 6.25 इंच पे, उसके बाद 2.5 इंच पे, इतना पैकेट रहेगी, इतना चटका लगेगी। अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब बैक पल्ला को कट करेंगे। पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पे बैठाएंगे। पहले हम इसको सीधा मार्क लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको आर्मोल का बैक पल्ला का आर्मोल इतना हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसका शोल्डर कटिंग करते हैं। शोल्डर है 17.5 इंच। पहले हम देख लेते कि शोल्डर 17.5 इंच आ रही है, ये दिक्कत आ जाएगी तो हम यहाँ पे 9 इंच देंगे। 17.5 का 9.25 इंच आती है तो 1/2 इंच देंगे ज़्यादा, और यहाँ पे एक सीधा मार्क लगा लेंगे और 4 इंच देंगे। यहाँ पे 6 इंच देंगे, 6.5 इंच देंगे,
यहाँ पे 3 इंच देंगे और यहाँ पे 2.25 इंच। यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से डेढ़ इंच पीछे मार्क लगाएंगे जो हमारा कॉप रहेगी, और यहाँ पे 6.25 इंच देंगे, सारे 9 इंच कॉप है। यहाँ पे 8 इंच और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, इससे भी स्केल से सीधा हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 5 इंच देंगे गल्फी पट्टी के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया कमीज का, इसका स्टिचिंग करके दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।